बच्चों का फ्यूचर सवारने की जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होती है, पर आज हम एक ऐसे माँ बाप से मिलेंगे जो अपनी ही बेटी का फ्यूचर बर्बाद करके खुद का प्रेजेंट सवार रहे हैं। नहीं करने 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 बेटा बेटा नहीं बोल रहे तो नहीं होगा। नहीं करो नहीं करो, ठीक है, गुड नाइट करो बेटा, गुड नाइट करो बेटा। रिति मेहरा AKA ज्योति कुमारी 2390, ये एक ऐसी 5 साल की बच्ची है जो 5 साल के बच्चों जैसा बिहेव करने के अलावा सब कुछ करती है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने रिति की वीडियो पहली बार देखी थी, आई वॉज लाइक दिस कैन नॉट बी अ 5-year-old चाइल्ड, बिकॉज 5 साल के बच्चे ऐसे बिहेव नहीं करते। 5 साल के बच्चों को हार्डली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद होता है, और ये बंदी यहाँ पर एक तो पूरा गाना याद करती है, ऊपर से इतने अच्छे एक्सप्रेशंस भी देती है। अपनी मर्यादा में रहो, समझ गई? प्लस द मेकअप, इट्स हॉरिबल। कौन अपनी 5 साल की बच्ची का इतना भयंकर मेकअप करता है? शी लिटरली लुक्स लाइक एवरी चाइल्ड्स नाइटमेयर। फेस दिखाओ बेटा। ओह कितनी क्यूट लग रही रिति। मैंने बहुत सारे चाइल्ड आर्टिस्ट को टिकटॉक पे रील्स पे वीडियो बनाते हुए देखा है, बट देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट रिति। मुझे ये बात समझ में ही नहीं आ रहा था कि एक माँ बाप अपनी इतनी टैलेंटेड बच्ची का ऐसा भयंकर मेकअप करके वीडियोस क्यों बना रहे। सो आई डिसाइडेड टू डू सम रिसर्च अबाउट हर, होपिंग टू फाइंड सम आंसर्स, बट मैन Did I find a whole motherfucking story? नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए शो द 5-year-old इन्फ्लुएंसर में। मिलिए हमारी मेन लीड ज्योति से। लकड़ी की काठी का थी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पैजो। ये वाली नहीं, ओरिजिनल वाली। ज्योति एक प्रोफेशनल रिलेटर और अनप्रोफेशनल इंस्पेक्टर है। ये क्रिमिनल्स के नहीं, लोगों के गाल लाल करने में विश्वास रखती है। वो क्या है ना, बनना तो मुझे हीरोइन ही था, पर जब रियल लाइफ की नहीं बन पाई तो सोचा रियल की बन जाती हूँ। पुलिस से ना MLA से ना मंत्री से ना भड़वो से किसी के बाप से नहीं डरने। और ये है मिस्टर मेहरा, ज्योति के रियल लाइफ के हीरो। इनका अस्तित्व इस कहानी में उतना ही है जितना प्रेस का इंडिया में, नॉन एग्जिस्टिंग। मुझे माफ कर दो बाबू, सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो बाबू। लो ये तीनों भी आ गई। अर्चना और स्वाति इंस्पेक्टर है और खुशी बहुत दुखी है। मैंने देखा है अपनी बुरी किस्मत को, मैं जिस चीज को भी अपना कह दूं वो फिर मेरी नहीं रहती। अब ये तीनों ठहरी ज्योति की बहनें, और उसी की तरह इन्हें भी रील्स बनाने का बहुत शौक है। किसने बोला था खोलने के लिए? अरे मैं इसे कैसे भूल गई, यह ड्रामेबाज परिवार की ड्रामेबाज बच्ची रिति, मिसेस और मिस्टर मेहरा की बेटी। रिति तो पैदा ही एक्टिंग के कीड़े के साथ हुई थी। बचपन से ही किसी भी गाने का लिप सिंकिंग कर लेती थी, वो भी विद एक्सप्रेशन। अब मिस्टर और मिसेस मेहरा को पता था कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, तो उन्होंने उसके टैलेंट को बढ़ावा देने का सोचा। कोई भी नॉर्मल पेरेंट शायद रिति को एक्टिंग स्कूल में डालता, पर ना, मिस्टर और मिसेस मेहरा ने अपनी 5 साल की बच्ची को रियल एलीट एक्सप्रेशन बट लैकिंग सेंसेस रील्स इसमें डाल दिया। अपना सपना अपनी बेटी के थ्रू पूरा करने के चक्कर में, जहां एक तरफ ज्योति जी पार्ट टाइम पुलिस ऑफिसर के साथ साथ रिति की फुल टाइम मेकअप आर्टिस्ट, PR मैनेजर, सोशल मीडिया हैंडलर और नाम की माँ बन गई, वहीं मिस्टर मेहता ने कानून की तरह अपने आंखों में पट्टी बांध ली, इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी की नहीं, फेम और पैसे की। फिर क्या होना था, रिति रील्स बनाते गई और फिर देखते ही देखते इंडिया की चतुर, हिम्मती, उम्दा, तेजस्वी यानी अद्भुत पब्लिक ने रिति को इंडिया का फर्स्ट 5-year-old इन्फ्लुएंसर बना दिया।
आप लोग सोच रहे होंगे इंडिया में जो लाखों चाइल्ड एक्टर्स है, सो वॉट इज सो डिफरेंट अबाउट रीति, वो भी प्रोबेबली सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं, बट मैन देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गाइस प्रोबेबली डोंट नो अबाउट एंड बिलीव मी इट इज रियली डिस्टर्बिंग. इसके नाम पे बहुत सारा फेक आईडी बन रहा है, इसके वजह से इसका फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहा है. उम्र इसका 5 साल है. आप लोग बस आईडी जितना हो सके शेयर कीजिए इस आईडी को. रो क्यों रही हैं, मतलब बहुत परेशान कर रही है. अरे ठीक है, बंद कर, नहीं करने 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 बेटा 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 नहीं बोल रहे तो नहीं होगा. नहीं करो, नहीं करो, गुड नाइट करो बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइव मैंने खुद ने रिकॉर्ड किया है, ये आपको उनके इंस्टाग्राम पेज में कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा बिकॉज ऑब्वियसली ये उनके इमेज के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है. एक चीज मैं क्लियरली आपको बता दूं कि इस पूरे लाइव में रीति को बहुत नींद आ रही थी एंड शी वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. उसे सोना था बट उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे थे ये लाइव को कंटिन्यू करने के लिए क्योंकि उनको फॉलोअर्स की जरूरत है. उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं और ये उन्होंने रीति की खुशी के लिए नहीं किया था क्योंकि एक लाइव में ज्योति जी ये खुद एक्सेप्ट करती है कि रीति को पता भी नहीं है कि फॉलोअर्स क्या होते हैं. चाहिए कि बहुत छोटी है, इसे पता भी नहीं है कि इसके 8 लाख फॉलोवर क्या होते हैं, ये क्या करे इसको खुद नहीं पता है. अकॉर्डिंग टू देम ये सब कुछ ये अपनी बच्ची की भलाई के लिए कर रहे हैं, पर जब बच्ची को पड़ी ही नहीं है फॉलोअर्स की तो तुम क्यों फोर्सफुली उसे ये सब बुलवा रहे हो. एंड गाइस सबसे डिस्टर्बिंग चीज ये है कि बिकॉज ये इन लाइव वीडियोस को एडिट नहीं कर सकते, आप क्लियरली सुन सकते हो कि मिस्टर और मिसेस मेहरा कैसे अपनी बच्ची को फोर्स कर रहे हैं फॉलोअर्स के नाम लेने के लिए, फ्लाइंग किस देने के लिए या फिर कुछ बकवास सी बात करने के लिए. मेरे आईडी को ही फॉलो करेगा. तेज बोलो, जस्ट बोलो. मेरे लव यू इंडिया, लव यू इंडिया, लव यू केरला. आईब्रो डांसिंग कर दो. रीति बोलो, ठीक से देख लीजिए, बोलो ठीक से बोलो. अच्छा यही ओरिजिनल आईडी है, बोलो ठीक से बोलो. अच्छा से देख लीजिए, बोलो ये मेरा रियल आईडी है, जोर से बोलो ना. हर एक लाइव में ज्योति जी सिर्फ यही बोलती है कि वो अपनी बच्ची के टैलेंट को बढ़ावा देना चाहती है, इसीलिए उन्होंने ये पेज बनाया कि मतलब इसको अच्छा लगता है वीडियो बनाना इसलिए ये वीडियो बनाती है. अगर आप अपनी बच्ची के टैलेंट को बढ़ावा ही देना चाहती हो तो क्यों आप ये सारे ब्रांड डील्स ले रहे हो, क्यों आप अपनी बच्ची से ये सारे वीडियोस बना रहे हो, वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स के जो वो खुद यूज नहीं कर सकती. एंड ऑल्सो शेम ऑन ऑल दोज ब्रांड्स, मतलब वाई एक 5 साल की बच्ची आपके ब्रांड को क्या प्रॉफिट देगी. गधे हो क्या भाई तुम. बहुत सारे ऐसे निगेटिव कमेंट आते हैं जिससे कहना है कि हम इस पढ़ाई नहीं करवाते हैं, सिर्फ इसका गलत उपयोग कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी के बच्चे में कोई एक ना एक टैलेंट होता है और वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे देख पा रहे हैं या नहीं पा. राइट, तो आपके हिसाब से रीति से हर रोज 2-3 रील्स बनवाकर आप उसके टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हो. गॉटचा. बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, नोरा फतेही के गाने पे नाच कर रीति की कौन से टैलेंट उभर रही है या फिर निखर रही है या फिर सवर रही है, समझ में नहीं आया भाई. लोग को इतना गलत मैसेज क्यों जा रहा है, या तो वो इसके प्रोग्रेस से उनको प्रॉब्लम है. दिस इज लिटरली नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, जब भी लोग आपको आपकी गलतियां पॉइंट आउट कराते हैं आप उन्हें ही कोसना शुरू कर देते हो. बट लोग ज्योति जी से नफरत नहीं करते, लोग उनकी पेरेंटिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं एंड जेन्युइनली क्वेश्चन करना भी चाहिए बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शी इज लिटरली अब्यूजिंग दिस चाइल्ड. वो ही नहीं उनके पति भी. कैन यू इवन इमेजिन, इस बच्ची ने 4 साल की उम्र से रील्स बनाना शुरू कर दिया था, हर रोज रील्स बनाना, ब्रांड डील्स करना, लाइव स्ट्रीम करना, इस बच्ची के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा इन सारे चीजों का. बहुत सारे लोग तो इसके एज को भी क्वेश्चन करने लगे बिकॉज जेन्युइनली शी डजंट लुक लाइक अ 5-year-old, शी डजंट बिहेव लाइक अ 5-year-old. Good night.
एंड इट्स ऑफुल आई डोंट इवन नो कि जब ये बच्ची बड़ी होगी हाउ हॉरिबल शी विल फील अबाउट हर सेल्फ एंड ये होगा क्योंकि उसके पेरेंट्स इररिस्पॉन्सिबल है वो रीति पढ़ाई नहीं करती है आप ध्यान नहीं देते हो आप एडल्ट एक्ट ज्यादा करवाते हो लाइक मेकअप है इनके मासूमियत को मार रहे हो तो ये क्लियर करना है कि ये कुछ भी नहीं है ये लाइक अदर एक्टिविटीज है रिति का वो उसका चाइल्डनेस बर्बाद नहीं किया जा रहा है वो उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो चीज है अपनी 5 साल की बच्ची को अडल्ट गानों पे नचवाना उसका चाइल्डहुड बर्बाद करना है अपनी 5 साल की बच्ची से लोगों को फ्लाइंग किस दिलवाना उसका चाइल्डहुड बर्बाद करना है अपनी 5 साल की बच्ची के वीडियोस के नीचे अडल्ट लोगों को कमेंट करने देना उसका चाइल्डहुड बर्बाद करना है एंड गेस व्हाट ज्योति जी आप अपनी बच्ची का चाइल्डहुड बर्बाद कर रहे हो सो कंग्रेचुलेशंस क्योंकि आपको आपकी बच्ची की नहीं उसके फॉलोअर्स की पड़ी है 15 तारीख को 9 बजे फिर से हम लोग लाइव आएंगे उस दिन बहुत सारा बात करेंगे नहीं बेटा बोल दो उस दिन बहुत सारा बात करेंगे गुड नाइट आज इसको बहुत लव यू इंडिया आई डोंट थिंक दे आर चाइल्ड अब्यूजर इट इज जस्ट दैट दे आर रियली डेस्परेट फॉर फेम और दुख की बात ये है कि जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो भी उतने ही बड़े क्लाउड चेसर हैं सर आप एक सोशल वर्कर हैं जो मतलब इस तरह के बच्चे को जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं आप उसका ये इनकरेज करते हैं देखिए क्या होता है कि अरे जब तुम्हें पता ही नहीं है कि ये है कौन तो क्यों अपनी बेटी से मिला रही हो एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन जस्ट बिकॉज ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता है दैट डजंट मीन कि तुम्हारी बेटी की कुछ हेल्प कर पाएगा बिकॉज जेन्युइनली गूगल की 10th पेज को भी पता नहीं इंसान कौन है तुम्हारी बेटी को इससे बेनिफिट मिले या ना मिले इसे डेफिनेटली मिल रहा है और रही बात छोटे बच्चों की जूनियर की एज से सचिन पेड़गांवकर साहब बहुत बड़े इंस्पिरेशन है छोटी उम्र में काम चालू किया पद्मिनी कोल्हापुरी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिन्होंने छोटी उम्र में काम चालू किया जूनियर महमूद बहुत बड़े एग्जाम्पल है जिन्होंने छोटी उम्र में काम चालू किया पहली बात तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना और सोशल मीडिया में काम करने के बीच में बहुत अंतर है फिल्म इंडस्ट्री में जो चाइल्ड एक्टर्स काम करते हैं ना लोगों का उनसे कभी कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता लोगों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती बट रिति के केस में लोगों को उसका एड्रेस पता है लोगों को उसके माता पिता के बारे में पता है लोगों को इवन उसका डेली रूटीन पता है इसका रूटीन हम बता दे थोड़ा रूटीन जो बोलते हैं कि टाइम सुबह में 7 बजे उठेगी ये 1 से 2 घंटा तक डांस करेगी उसके अपना जो भी है दूध वगैरह पी करके उसके बाद फिर खाना पीना खाने के बाद फिर सो जाएगी फिर शाम को 2 घंटा ट्यूशन भी करती है Woman saving her child from kidnapper in East Delhi. These visuals have gone viral. This incident happened at Shakarpur area where the lady somehow managed to pull her child back from the kidnapper. सबसे पहले जितने भी पेरेंट्स लोग हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं बाद में भी देखेंगे बच्चों का बचपन ना छीना जाए बच्चों को किसी भी चीज से प्रेशराइज ना किया जाए सर जी आप रिति को ही डिस्क्राइब कर रहे हो ज्योति की माँ आपके ही थाली में छेद निकले आज की तारीख में बच्चे अपाइज हो चुके हैं अपाइज इन द सेंस उनको आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करना है उनको मोबाइल से रिलेटेड गेम्स खेलने हैं उनको कंप्यूटर पे बैठना है उनको 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 दोस्त नहीं बनाने उनको एनवायरनमेंट में नहीं जाना उनको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ मोबाइल के सामने बैठना बिल्कुल सही कहा आपने रिति की भी तो यही हालत है वरना आप ही सोचो रिति की माँ ने इतने सारे पार्टी थ्रो किए और उसमें एक भी बच्चा नहीं था हाय बेचारी पूरा दिन अगर रील्स बनाते बैठेगी तो दोस्त बनाने का मौका कब मिलेगा उसे लेकिन बड़े लोग खुद बेवकूफ हो चुके हैं बड़े लोग खुद पागल हो चुके हैं इंस्टाग्राम के पीछे फेसबुक के पीछे स्टेटस के पीछे स्टोरीज के पीछे फॉलोअर्स बढ़ाने के पीछे मेकअप करने के पीछे झूठ दिखाने के पीछे रिति की माँ ये तो सपोला निकला मुझे तो वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं थी ये तो खुद ही आपको एक्सपोज कर रहा है और रही बात रिति के वीडियोस की मैंने कहीं पर भी उसकी वीडियोस में वर्गैलिटी नहीं देखी देखा होता तो मैं टोकता मैं रोकता वेट अ मिनट दबे पे हूं इतने ने 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 एक बार चेहरा हटा दे जरा भी
मेरे साथ माल फूक फूक ले। इन सारे रील्स पे अपनी बच्ची को नचवाना आपको सही लगता है? आप पुलिस वाले हो, अगर आप जैसे लोग अगर कुछ गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देते हैं और बहुत सारे लोग उठ के अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा चेंजेस सोशल मीडिया पे होगा। सोशल मीडिया को चेंज करने से पहले खुद को चेंज कर लो मैडम। कानून की किताब पढ़कर पुलिस वाली तो बन गई, पर कंसेंट क्या होता है ये तुमने आज तक नहीं सीखा। आज तुम्हारी बच्ची को सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना पसंद है, बट व्हाट इफ बड़े होकर उसे पसंद ना आए? व्हाट इफ उसे सोशल मीडिया से अपना नाम ही हटाना हो? क्या करेगी वो? उसके वीडियोस तो आपने पहले से अपलोड कर दिए, उसे तो ऑलरेडी इतने गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं। आपकी बेटी का अब तक दूध का दाग भी नहीं गया, पर आपने उसका फ्यूचर पहले ही डिसाइड कर लिया। उसका कंसेंट कहाँ गया? उससे परमिशन कौन लेगा? उसके फ्यूचर का क्या? नौरा फतेह के गानों पे नाच के उसका फ्यूचर नहीं बनने वाला। अगर आपको इतनी ही फिकर होती ना उसकी, तो कोई अच्छे थिएटर ग्रुप में डाल देती उसे। शी इज टैलेंटेड, बट आप लोग उसे डिजर्व नहीं करते, एंड दैट इज द फकिंग रियलिटी। बात करो, सेंसेबल बात करो, 2 मिनट के लिए हो, 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए, ऐसी बात करो जिससे कोई इंसान कुछ सीख सके। आप समझ रहे हो मेरी बात को? टॉपिक छोड़ के कोई और बात मत करो। अबे यार, बड़े नार्सिसिस्ट हो तुम, हाँ? कब से खुद ही का इंट्रोडक्शन दिए जा रहे हो? आज के तारीख में तो हर एक चीज की बात करते हैं, हम कपड़े की बात करते हैं, हम फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की बात कोई नहीं करता, पेड़ लगाने की बात कोई नहीं करता, ठीक है, पानी बचाने की बात कोई नहीं करता। आप समझ रहे हो मेरी बात? जो भी तुमको बोलना है बोलो, क्योंकि नहीं बोलोगे तो फिर ये बोलते ही जाएंगे, क्योंकि भाई अब ये रहे बड़े अनाउंसर, इन लोगों को बोलने का आदत अच्छे से रहता, हम तो बोल ही नहीं पाते। मुझे अभी भी याद है ज्योति जी ने एक लाइव वीडियो में कहा था कि रीति क्ले जैसी है, वो हर एक चीज को अब्सॉर्व कर लेती है और वो रीति को बेस्ट शेप देना चाहती है। बट ज्योति जी, आप उसे बेस्ट शेप देने के चक्कर में ना उसका फ्यूचर बर्बाद कर दोगी। आई एम श्योर कि रीति बहुत टैलेंटेड है, आई एम श्योर कि वो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करेगी, बट आप बहुत जल्दबाजी कर रही हो। आप अपनी 5 साल की बच्ची को एक 21 साल की औरत जैसा ट्रीट कर रही हो। शी इज जस्ट 5 ईयर ओल्ड, आई डोंट थिंक कि वो ये सब ज्यादा टाइम तक झेल पाएगी। यू नो, आप उसे किसी थिएटर ग्रुप में डाल दीजिए या फिर किसी एक्टिंग क्लास में डाल दीजिए, रील्स इज नॉट द राइट वे टू गो। उसे अडल्ट एक्सपोजर बहुत कम उम्र में मिल रहा है, एंड दिस इज नॉट गुड फॉर हर, ये उसकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आज इंडिया में 3 महीने के 6 महीने के बच्चे सेफ नहीं है, तो रीति कैसे सेफ रहेगी जबकि इतने सारे लाखों लोगों की नजर है उस पे। अपने बच्चे के टैलेंट को सपोर्ट करना गलत नहीं है, बट अपने बच्चे को प्रेशराइज करना गलत है। आपकी बेटी टैलेंटेड है, बट उसे गाइडेंस की जरूरत है और वो गाइडेंस आप उसे नहीं दे सकते। आई डोंट वॉन्ट पीपल टू हेट यू, आई डोंट वॉन्ट पीपल टू हेट योर डॉटर, इट इज जस्ट दैट कि आपकी बेटी सिर्फ 5 साल की है, उसे माँ की जरूरत है, मैनेजर की नहीं। आपका फेस नहीं दिख रहा है। या आई मीन नाइट, अंधेरा अंधेरा, लाइट नहीं है क्या? आपका फोटो नहीं दिख रहा। या मम्मी हाय बोलो प्लीज एक बार। बोल दो हाय बेटा, बोल दो हाय। थैंक यू, लव यू। मम्मी मींस क्या होता है? बाय मम्मी मींस।